नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर लोन्स किस प्लेटफॉर्म पर अपना। और कल के वीडियो में हमने जो है पंचायती जो संस्थाएं थी, पंचायती राज व्यवस्था थी, संबंधित प्रश्नों को देखा था। हालांकि लास्ट में कुछ इंटरप्शन की वजह से 4-5 क्वेश्चन कुछ छूट गए थे, तो उनको हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी ऑडियो क्लियर आ रही होगी आपको, है ना। चलिए, तो 545 ऊपर दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर, है ना, इसको थोड़ा वो कर दिया जाए। आपको स्क्रीन पे है ना 545 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमने कल देखा था, कल हमने ग्राम सभा बोल दिया था, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला लेवल पे। ठीक है, तीन स्तर पर होते हैं। कौन, किसने बताया था ये चीज, बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने, बलवंत राय मेहता। अब बलवंत राय मेहता ने बताया तो तुरंत आप क्लियर करिए चीजों को। निर्वाचन वाला सेक्शन करेंगे हम लोग, निर्वाचन वाला, ये 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, इसके बाद निर्वाचन वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, उसको आज की वीडियो में करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1957 के बाद अशोक मेहता समिति 1977, फिर 1985 में, 1985 में कौन सी थी, राव समिति। ठीक है, फिर 1987 में, फिर 88 में, 87 में क्या थे, सिंघवी, 88 में टी के थुंगन समिति, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला देखिए, 546 नंबर देखिए, 546 नंबर क्या बोल रहा है, 1993 में लागू हुए सांविधानिक लक्की अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की एक तरह की, जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना कर, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संविधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। वो कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन, ताकि विकेंद्रीकृत लोकतंत्र का, विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था, 92 में, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था और 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 547 नंबर, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का, प्रथम बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक का होता है। ये कल के वीडियो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। अगला देखिए, 548 नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना। इसमें कहना ये चाह रहा है ये कि इनमें से सही ढंग से मिलान किया जाए, मतलब तीन स्तर पर कौन कौन सी चीजें हैं। पहले देखिए, पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर होता है, गांव स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, उसके बाद जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है, ये जिला स्तर पर होता है, तीन स्तर पर है, तो ये ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक, चलिए, ये क्रम भी यही है, ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और उच्च स्तर पर, मतलब जिला स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 549 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय राज्य कौन सा था, पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था, राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार इसको लागू किया गया था। दूसरा राज्य कौन बना था लागू करने वाला, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 550, पंचायती राज प्रणाली में, एडजस्ट करिएगा, है ना, लाइट का इशू है थोड़ा सा, यूपीएस के बैकअप चीजें चल रही हैं, मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए, तो पंचायती राज प्रणाली में श्रेणी संरचना होती है तीन स्तर की, तीन श्रेणी संरचना होती है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर और फिर जिला स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 551 नंबर, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं सूची को संविधान में जोड़ा गया था, 1992 में, कब जोड़ा गया था, 1992 में। 11वीं अनुसूची किससे है, नगर पंचायत से है, 12वीं किससे है, नगर पालिका से है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 552 नंबर, 552 नंबर क्या बोल रहा है,
भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा ऐसे संवैधानिक प्रावधान और विशेष अधिकार प्राप्त है। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों की कुल संख्या की एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन गलत है। महिलाओं के लिए आरक्षण के को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होना चाहिए। ये केवल क्यों सही है, ठीक है, केवल क्यों सही है। इसमें महिलाओं को जो ये पंचायती वाले में है, इसमें भी यही है कि जितनी सीटें हैं वहां पर टोटल प्रत्येक वर्ग में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 33% टोटल कुल सीटों का आरक्षण, किसने बोली गई आरक्षण की बात, 243 डी में, आर्टिकल 243 क्लॉज डी में, सीधे क्लॉज नहीं है, पूरा पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल 247 डी में इस चीज की बात की गई है कि आरक्षण किसको क्या दिया जाएगा। अगला देखिए, और नगर पालिका में वो टी में है, 243 टी में आरक्षण वाली बात, और पंचायती राज व्यवस्था में 243 डी में, ठीक है। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुआ, अभी देखा हमने नागौर राजस्थान से, कहां पर, नागौर राजस्थान से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है, पंचायती राज ग्राम सभा, इसका है ग्राम सभा, ठीक है। चलिए अब आपको पता होना चाहिए ग्राम सभा में कौन कौन मेंबर होता है, सदस्य कौन कौन होते हैं, वो सभी सदस्य जिनका उसके निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम है। अगला देखिए 555 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 पी के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी, 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक, चाहे पंचायती राज व्यवस्था हो चाहे नगर पालिका वाली हो, कार्यकाल जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक माना जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 556, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है, पंचायती राज की स्थापना, पंचायत, ये जो आर्टिकल आपका 40 है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, उस तरह से क्या उसी आधार पर लागू किया गया है पंचायती राज व्यवस्था, और वो राजनीतिक विकेंद्रीकरण को दर्शाता है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए यहाँ से चैप्टर खत्म हो रहा है, तो आपसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इससे जुड़े जितने फैक्ट हमने पढ़े थे, चाहे वो आर्टिकल हो चाहे समितियां हो, ठीक है, चाहे वो विभिन्न प्रावधान हो, और कुछ कुछ क्वेश्चन से सीखने को मिला वो भी देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें एक जगह नोट होनी चाहिए आपको, क्लिक किस भाषा में, और वो चीजें याद करना है आपको, ठीक। तो चीजें याद है ना आपको, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, निर्वाचन अपना अगला चैप्टर रहेगा, ठीक। इससे जो इतने प्रश्न है, 26-27 प्रश्न है, उसको फटाफट कवर कर लेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल चीजें नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा क्लिक नहीं है इसमें, सिंपल चीजें याद करनी है आपको, डरना बिल्कुल नहीं है, चीजों को बस सुनते जाइए, और जो चीजें नहीं लगे वो नोट करते जाइए, 2-3 बार पढ़ेंगे रिवाइज हो जाएगा, नोट याद हो जाएगा, रिवाइज करना है इसको आकर के दोबारा देख करके, क्वेश्चन देख करके रिवाइज करते जाइए फटाफट, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर बोल दीजिए, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, क्या है भाई साहब, 21 वर्ष, क्या है न्यूनतम आयु, 21 वर्ष, वोट देने का 18 वर्ष, किस संविधान संशोधन से मिला था ये राइट, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 इस माध्यम से ये अधिकार मिला था कि हमारा 21 वर्ष से घटा करके वोटिंग राइट कब कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला देखिए, भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया, यानी पेशा, एक पेशा एक्ट सुना होगा आपने, ये किसलिए लाया गया था कि जो अधिनियम 73वां संविधान संशोधन लाया गया उसमें जो कमियां रह गई उसको हटाने के लिए, उसको परिपूर्ति के लिए उसके पेशा एक्ट लाया गया, ताकि जो बची हुई कमियां हैं वो भी पूरी की जा सके। ये कब किया गया था, 1996 में, ठीक है। पेशा एक्ट जो आया था वो 1996 में आया था, 1996 में आया था, ध्यान रहेगा इसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 559 नंबर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, किस भाग में है ये, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल किससे है, 308 से लेकर के, हालांकि संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 तक है, ठीक है, लेकिन वैसे 308 से आर्टिकल शुरू होता है ये वाला। ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, 560 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, भारत की उपराष्ट्रपति, भारत की प्रधानमंत्री? भारत का निर्वाचन आयोग। किस अनुच्छेद पर आता है भारत का निर्वाचन आयोग? 324, अनुच्छेद 324 के तहत भारत का निर्वाचन आयोग आता है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 या 65, क्या होता है बताइए? 5 या 65 या क्या? 5 या 65 होता है, 6 65 होता है, 5 वर्ष 65 वर्ष नहीं होता है, कितना होता है? 6 वर्ष 65 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन कौन कराता है भारत का, ये भारत के राष्ट्रपति का पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ये लाइट नहीं है, है ना, जितनी देर बैकअप चले मैनेज करिएगा उसको, बाकी बच्चों को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए 561 नंबर, निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों का निर्णय लेने का मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, इसको प्रारंभिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभिक अधिकार बोलते हैं, जैसे कि उसके मामले में सिर्फ आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीधे, अगर विवाद उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य के बीच में, दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया है ना, केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो गया, तो वहां पर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक, अनन्य और मूल, अनन्य और अंतिम अधिकार। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद से संबंधित मामले में क्या है? अंतिम अधिकार और मूल अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 562 नंबर, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? अक्सर ये सवाल गलत होता है, राज्य विधानसभा का चुनाव लोग करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जबकि ऐसा नहीं है। क्या है? भारत निर्वाचन आयोग, जो आर्टिकल 324 के तहत गठित हुआ है, वो करवाता है राज्य विधानसभा का चुनाव, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है आर्टिकल 243 के तहत गठित होता है, और ये जो है नगर पालिका और पंचायत का चुनाव कराता है, नगर पालिका व पंचायत, पंचायत का चुनाव कराता है, ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए चलिए ठीक है, सही हो गया, तो इसका यह आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा, भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है, आंसर ए विल बी योर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन, राज्य विधानसभा का चुनाव भारत निर्वाचन, भारतीय निर्वाचन आयोग होता है, केंद्र वाला राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 60 साल, लड़ेंगे जाके, चलिए चलिए 15 साल, ठीक है, नहीं भाई सब क्या है 25 वर्ष, ठीक है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष राज्यसभा के मेंबर के लिए, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 564 नंबर, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? दिनेश गोस्वामी समिति थे, दिनेश गोस्वामी समिति थी, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशों के लिए गठित की गई थी। नंदन निलेकणी जो है, ये डिजिटल पेमेंट की गहनता को और बढ़ाने के लिए है ना, और उसको गहन बनाने के लिए और उसको मतलब व्यवहारिक बनाने के लिए नंदन निलेकणी समिति का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकाय है? कौन सा है? भारत निर्वाचन आयोग। संवैधानिक निकाय में पहले डिस्कस किया है, संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं? संवैधानिक निकाय वो होता है जिसका, जिस निकाय के बारे में डायरेक्टली संविधान में उल्लेख किया गया है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग है ना, उसका पर्टिकुलर अनुच्छेद उल्लिखित है, ठीक है। और वैसे मान लीजिए भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ 9 और बना रहेगा, निर्वाचन आयोग क्या आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है, ठीक, ध्यान रहेगा इतना। चलिए बाकी ये सब एक्ट, ये तो एक रिजोल्यूशन के माध्यम से आया नीति आयोग, ये भी ठीक है, एक्ट के माध्यम से आए हैं। चलिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? दल बदल विरोधी का जो जोड़ा गया था वो किस संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रहेगा इतना। एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है, अगर आता है इससे ये सवाल सब पूछे जाते हैं। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था इसको, किसमें? 10वीं अनुसूची में, फिर 11वीं में पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं में नगर पालिका, ठीक है। चलिए, चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार कानूनों को वहां रख दिया गया है। 7वीं अनुसूची में याद ही है आपको, हमने भाग 11 जो पढ़ा था, तो लिखा है राज्य केंद्र और समवर्ती, ठीक है। क्या आपको उसके सूची कितने कितने विषय है किस सूची में याद है आपको, बताइए जरा। संघ सूची में बताइए कितने विषय है, राज्य सूची में बताइए कितने विषय है, आप बोल लीजिए। अगर आप सही बोल रहे हैं तो मैं ये बताऊंगा आंसर, सही बोल रहे हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपने बता दिया, ठीक है। समवर्ती सूची, ठीक है, संघ सूची में कितने थे? 100, राज्य सूची में 61,
में 52, ध्यान रहेगा। अब जिन लोगों ने सही बोला था वो मैच कर ले अपने आपको, ठीक है, चेक कर ले मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग कितने सदस्य हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। चलिए पावर जबकि सेम होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए इनका जो सैलरी होता है निर्वाचन आयुक्तों का, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, और उनको हटाया भी महाभियोग की प्रक्रिया, जो महाभियोग की प्रक्रिया है तरह से उसी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जाता है, ना कि महाभियोग लगा कर। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 56 में, इसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है, 61 में, ध्यान रहना चाहिए सब चीजों। भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास, ठीक। चलिए अंतिम साइन उसे क्यों ना, इसलिए दिया गया है, प्रक्रिया पूरी संसद करेगी। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, मलकाजगिरी, कौन सा है, मलकाजगिरी, ये पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना जब से अलग हुआ है तो तेलंगाना में हो गया है, ठीक है। तेलंगाना का एक जो है निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक। अब यही अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो वो लक्षद्वीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभी सवाल आएगा उसके बारे में, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है, सुकुमार सेन, कौन है, सुकुमार सेन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 35 के लिए था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल, 30 वर्ष राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 573 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में, यानी जनसंख्या के संदर्भ में, कौन सा देश का किया था हमने अभी, लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप। चलिए अगला देखिए, 574 नंबर, भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, हमने आपसे किया था डिस्कस, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, 575 नंबर, कौन सा प्राधिकरण प्राधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है, भारत का चुनाव आयोग, आर्टिकल 324, सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 124। अगला देखिए, ये जो है 324 से लेकर के 329 तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 576 नंबर, अच्छा नहीं 577 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र जो भी पहले हो वो होता है, 6/65, हमने डिस्कस किया था ना पहले, अभी उसको डिस्कस करना, आगे बढ़िए। 578 नंबर, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जाती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जाता है, इसके तहत अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना की ओर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज का इस्तेमाल किया गया, दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 579 नंबर, संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है, कौन सी है, चुनाव याचिका, कौन सी है, चुनाव याचिका, ठीक। क्या मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया जिसके द्वारा चुने गए हैं वो उसमें वो गलत है, इस उद्देश्य से इसको दायर किया जाता है चुनाव याचिका को। अगला देखिए, 580 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची से इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतदाता सूची तभी आप चेक कर पाते हैं ना अपने नाम, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती है, ठीक। चलिए इस हिसाब से वो लोग मुर्गा और पैसा भिजवाते हैं ना, दारू का बोतल, हमारे क्षेत्र में कौन कौन मतदाता सूची में नाम का है उसके यहाँ एक एक पौआ और 500 रुपया पहुंच जाना चाहिए। चलिए क्या हो जाएगा, दोनों आंसर सही हो जाएंगे आपके, मजाक की बात थी, ठीक है। चलिए हकीकत आपको ही पता है, 580 नंबर का डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है, पहला, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
आकाशवाणी और दूरदर्शन, तीन चीज ध्यान रखिएगा, है ना। सीमित सीमित मुफ्त उपयोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, सीमित मुफ्त उपयोग, क्या लिखा है, सीमित मुफ्त उपयोग, ये यहाँ दिखाते हैं दोबारा, क्या लिखा है ये, यहाँ लिखा है सीमित मुफ्त उपयोग, नहीं लिखा है सिर्फ सीमित मुफ्त उपयोग, ठीक है, की अनुमति है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है, बिल्कुल यही बात सही है, कितना खर्च कर सकता है वो भी चीजें पहले से प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, ए और बी दोनों सही जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, 582 नंबर, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया में, प्रक्रिया के संदर्भ में, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, बिल्कुल सही बात। चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े, दोनों ऑप्शन सही है। हालांकि जो 1500 वाली बात थी कि पहले 1000 से लेकर के 1200 तक का, ठीक है, इससे ज्यादा मतदान भार नहीं होना चाहिए, मतदाताओं का भार नहीं होना चाहिए उस सेंटर पर, उस केंद्र पर, लेकिन उसको बढ़ा करके भी 1500 कर दिया गया है। तो आपके क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या है, दोबारा सुनना है ना, सुना है ना कि क्या सवाल क्या था, प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले, आप भी अगर मतदाता है इस चीज देखिए, ठीक है। चुनाव आयोग के अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार ना उठाना पड़े, ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है, और दोनों चीजें सही है, इसलिए डी विल बी योर राइट आंसर। अगला देखिए, 583 नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है अगले चैप्टर पर आपात जो बंद है ना, आपातकाल संबंधी जो बंद है उससे जुड़े हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र चर्चा में क्यों रहा, ये हालांकि 1999 में आया था सवाल, अब उस समय की चर्चा के हिसाब से था करंट का क्वेश्चन, है ना, तो ये वर्तमान में कोई इसका लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन करने का, लेकिन सुन लीजिए, इसका आंसर था कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव वहां से लड़ रही थी, इसलिए वो चर्चा में रहा था, ठीक है। इस तरह के सवाल दोबारा पूछे जा सकते हैं, हालांकि यूपी में भी जो सपा जीती है, कौन सा क्षेत्र था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित सवाल, निर्वाचन वाले चैप्टर से सवाल, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग कौन सा कवर करेंगे, आपात उपबंध जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं अभी तक 99 से लेकर के अभी तक जितने प्रश्न आए हैं भर्ती इस पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा, वो सारे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा और कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमने पहले बता दिया आपको, तो उतना अगर कवर कर लेते हैं आप, रिवाइज करके याद कर लेते हैं, तो पॉलिटिक्स सेक्शन में कुछ छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको, और अगर सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या सुधार किया जा सकता है और क्या चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।